क्या हिंदुस्तान में अब एक नहीं बल्कि दो प्रधानमंत्री होंगे? क्या हिंदुस्तान में पीएम मोदी के अलावा भी कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है? आखिर क्यों राहुल गांधी को शैडो प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है? क्या राहुल गांधी देश के शैडो प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर हाँ तो इसके लिए भारत का संविधान क्या कहता है? कौन बन सकता है भारत में शैडो प्रधानमंत्री? चलिए इस दो मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। साल 2014 और 2019 की लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस के पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं था, क्योंकि निचले सदन में उनके पास कुल सीटों का 10% आंकड़ा नहीं था। लोकसभा में 543 सीटों में से लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए विपक्षी दल को कम से कम 55 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन ना तो 2014 में कांग्रेस के पास 55 सीटें थी और ना ही 2019 में। लेकिन पूरे 10 साल बाद 2024 में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को चुना गया है। पहली बार राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी संभालेंगे, लेकिन यहां तक पहुंचना राहुल गांधी के लिए इतना भी आसान नहीं था। राहुल गांधी ने ना सिर्फ इस लोकसभा इलेक्शन में अपनी छवि को बदला, बल्कि जमकर सड़क से संसद तक पसीना भी बहाया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस इस बार 99 सीट जीतकर संसद में आई और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बने, जिसमें रुतबा भी है और पावर भी। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अब शैडो कैबिनेट बनाने की मांग कर रही है, और ऐसा होता है तो राहुल गांधी इस कैबिनेट के शैडो प्रधानमंत्री कहलाएंगे। वैसे तो शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का है, जहां से भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम मोटिवेटेड है। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है, इसे आप प्रधानमंत्री का शैडो वर्जन समझ सकते हैं, यानी कि जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम के जैसे ही होती है। शैडो पीएम असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है, और अगर कहीं पर गलत काम होता है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाता है। हमारी पार्लियामेंट बुकलेट में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया है। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऐसे में अगर शैडो कैबिनेट बनती है तो शैडो पीएम राहुल गांधी को कहा जाएगा। वैसे ही पहली बार नहीं है जब विपक्ष शैडो कैबिनेट बनाने की बात कर रहा है, इससे पहले भी इसे लेकर मांग उठती रही है। साल 2014 में कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी, जिसका काम था पीएम मोदी के कामों की निगरानी रखना। केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रही, लेकिन राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की आधी अधूरी कोशिश की, लेकिन शैडो कैबिनेट का ये फार्मूला सफल नहीं रहा। वैसे भारत में शैडो कैबिनेट सिस्टम की कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है, क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली में पहली लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार पर चेक और बैलेंस रखने के लिए कमेटी सिस्टम है, जिसमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल होते हैं। भारत में लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो पीएम की तरह ही होता है, जो पीएम के हर काम पर नजर रखता है। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर कहते थे कि अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें एक विपक्ष की कमी खली, और इससे मेरे दिल को दुख होता है। लेकिन मोदी की इस पीड़ा को इस बार देश की जनता ने दूर कर दिया है। रही बात शैडो कैबिनेट की, तो हिंदुस्तान में इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।